ഓർഗനിൽ ഈ സെൽ ഓർഗനിൽ മീൻസ് ഓൾ ദ കണ്ടെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെൽ മെംബ്രേൻ. സെൽ മെംബ്രേൻ സഹിത സൈറ്റോപ്ലാസ്മ കെ അന്തർ ജിത്നേ ഭീ പാർട്സ് ഹൈ സെൽ കാ സഭി മിലാകർ ഏക് സാഥ് സബ്കോ ആപ് ഹോതെ ഹൈ സെൽ ഓർഗനിൽസ്. तो सेल ऑर्गेनल्स में आपको जिसे बताया था साइट सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के बारे में कल ही मैंने आपको बता दिया था, कहा था कि सेल वाल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना है, इसका फंक्शन क्या है. अब आज पहला पढ़ेंगे हम जिसे माइटोकांड्रिया. माइटोकांड्रिया को के बारे में भी आपको बताए थे, आई हैव थ्रोन सम लाइट ऑन माइटोकांड्रिया स्टडी. माइटोकांड्रिया इज ऑल्सो नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिस्पिरेशन जो होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, डाइजेस्टेड फूड मीन्स ग्लूकोज जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलता है, आप सारा काम करते हैं यानी कि पावर मिलता है, और ये काम माइटोकांड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकांड्रिया को कहा जाता है क्या जी, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये हर सेल प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है क्योंकि दोनों को एनर्जी का जरूरत है, इसलिए दोनों में पाया जाता है. दूसरा आता है प्लास्टिड. प्लास्टिड आपको तीन तरह के पाए जाते हैं, एक है क्लोरोप्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आप ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टीम, ग्रीन पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्रीन. जी अगर कच्चा फल है अनराइप फ्रूट तो वो भी ग्रीन होता है, तो उसमें भी आपको क्लोरोप्लास्ट होता है. दूसरा आपको होता है क्रोमोप्लास्ट, ये कलर टू पार्ट में मिलता है, जैसे फ्लावर में मिलता है और प्लस आपको राइपिन फ्रूट पका हुआ फल के छिलका में मिलता है. तीसरा है ल्यूकोप्लास्टिड जो कलरलेस होता है, ये फूड स्टोर करता है प्लांट के अंदर, इसका काम है फूड को स्टोर करना, और जब कभी जरूरत होता है तो इसमें से ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होते रहता है. तो प्लास्टिड में हम लोग देखेंगे क्या जी, प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में ही मिलता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट मेन है आपका प्रिपरेशन में फोटोसिंथेसिस के लिए, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस कराता है. इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ऑटोट्रोप्स नहीं बल्कि हेटरोट्रोप्स है. तो इसके बाद तीसरा आता है आपने देख लिया माइक, इसके बाद न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल या हेड ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, मतलब इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी, सेल के अंदर ही बात करिए, जितना एक्टिविटीज है जो भी काम सेल करता है उसका गाइडलाइन और रिमोट कौन है, तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इसलिए ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं. ये हेरिडिटी का यूनिट है, क्रोमोसोम इसी में होता है, डीएनए इसी में पाया जाता है, यानी रिप्रोडक्शन से लेकर जितना लाइफ प्रोसेस है सभी को कंट्रोल करने के लिए सेल है. सेल के अंदर का न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है, हेंस इट इज राइटली कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल. चलिए तीसरा है आपका, इसके बाद आता है न्यूक्लियस ऑफ गोल्गी बॉडीज. ये दोनों में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में इसको नाम स्पेशल दिया गया है क्या, डिक्टोसोम. आप प्लांट सेल में देखिएगा डायग्राम में लिखा होगा डिक्टोसोम, तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टोसोम के नाम से जाना जाता है. इसके बाद है लाइसोसोम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लाइसोसोम. इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जी सेल का आत्मघाती दस्ता, आत्मघाती थैली. आत्मघाती मतलब जो अपने अपनी हत्या खुद करता है, तो ये इसके अंदर एक कैपेसिटी होता है कि सेल के अंदर जितने पार्ट्स हैं सबको ये डाइजेस्ट कर सकता है. ये कभी कभी सेल डैमेज, मतलब कि सेल डैमेज हुआ, डैमेज पार्ट सेल के अंदर रहेगा जो कि मतलब किसी बीमारी को जन्म दे सकता है, सेल गंदा होगा बर्बाद हो जाएगा.
लाइसोसोम जो है उस चीज को क्या करता है, डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखता है भीतर का, जैसे वल्चर, हाइना, जैकल ये जंगल को क्लीन करते हैं, मरे हुए सड़े हुए एनिमल का जो फ्लेश है इसको खाकर जंगल को साफ करते हैं। वैसे लाइसोसोम जो है जिस सेल का हाइना है या वल्चर है जो सेल डेब्रिस को क्या करता है, क्लीन करता है, उसको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन करता है। यही आपका है। इसके बाद आपको चूंकि ये शायद डाइजेस्ट कर सकता है इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लेकिन इसके लिए 2 मिनट का गैप। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, फर्स्ट डिफरेंस देखिए, प्लांट सेल लिखा है, इधर भी एनिमल सेल लिखा है। सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें होगा सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वन वैक्यूल प्रेजेंट, वैक्यूल एब्सेंट, और इफ प्रेजेंट they are more than one in number and very small in size. प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस से प्लांट सेल में बीच में होता है, सेंट्रली लोकेटेड, सॉरी एनिमल सेल में बीच में होता है और प्लांट सेल में पेरिफेरी मतलब साइड में होता है। रीजन क्या है, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल ज्यादा जगह ले लेता है जिसके चलते न्यूक्लियस को जगह नहीं मिलता है तो पेरिफेरी मतलब एक साइड में चला जाता है। उसके बाद प्लांट सेल का शेप जो है फिक्स्ड होता है, एनिमल सेल का जानते हैं कि अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है, मसल से आप बहुत सारा सेल का आप देखिए शेप जैसे स्पर्म सेल, एग सेल, मसल सेल्स ये सब देखिए जी, न्यूरॉन का देखिए ट्री शेप, तो ये डिफरेंट शेप का होता है, मतलब एनिमल सेल का शेप फिक्स नहीं है। उसके बाद है आपका लाइसोसोम, अभी आपने पढ़ा है इसी में, तो लाइसोसोम आपको सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। ये दोनों में आपका डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप याद कर लीजिएगा कि आगे भी काम आता है आपको। ये प्लांट सेल में क्या होता है, कुछ चीज है जो दोनों में होता है, बहुत सारा चीज जैसे माइटोकांड्रिया दोनों में होता है, सेल वॉल दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं तो एनिमल सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं तो प्लांट सेल में नहीं होते। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। Perhaps I have told you that cell wall is present in both plant cell and animal cell. Actually, cell wall is found only in plant cell, not in animal cell. But it can be found in bacteria, which is a just like animal cell. But bacteria cannot be considered as animal cell. It has other classification and none as Monera. आपको बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलता है मगर अदर एनिमल में सेल वॉल नहीं मिलता है, शायद मैंने कह दिया इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया, ठीक है।
के ढक के।